इसका मतलब वो टेलीग्राम झूठ था। कौशल्या जी जरा वो तार तो दीजिए, कहाँ रखा है? अरे ये तो आगरा से ही है। किसका काम होगा? साधना तुझे क्या लगता है? हाय वीनू की बहू, तू तो बड़ी समझदार निकली, सही वक्त पर फोन कर दिया, वरना खामखा ये बेचारी वहां जाकर परेशान होती। और सवाल ये उठता है कि ये किसका किया है? आजकल के लड़के बड़े शरारती होते हैं दामाद जी, मोहल्ले के किसी छोरे का ही काम होगा और क्या। नहीं नहीं, भला कोई ऐसा काम क्यों करेगा? बड़ा वाहियात मजाक है जी, पर ये निकम्मे आवारा लड़कों को इसी तरह की बातों में मजा आता है। चल अच्छा हुआ साधना तू गई नहीं, मुझे बाजार में थोड़ा काम है, अब तुझे ही साथ लेके चलूंगी। दामाद जी अब छोड़िए भी इन फिजूल बातों में दिमाग को क्या उलझाना, भूल जाइए। चल बेटा। चलो साधना को तो रोक लिया मैंने, पर ये नानी साधना को अपने साथ क्यों ले जा रही है? इस बात का भी पता लगाना होगा, नजर रखनी होगी इन दोनों पर, और विनीत पर भी तो नजर रखनी होगी, कहीं वो अपनी जुबान ना खोल दे। उनकी जुबान बंद करने के लिए भी तो कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। झूठ तो मैं बोलती नहीं, पर मैं वीनू जी का करूँ तो क्या करूँ? जी क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? अगर जरूरी ना हो तो बाद में बात करो। मेरे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है बोलिए। क्या आप रघुलाल हलवाई के यहाँ से खोया ला दोगे? खोया मतलब ये तुम्हारा जरूरी काम है? तुम जानती हो ना अभी बाजार से आ रहा हूँ, पहले नहीं बोल सकती थी क्या? ओहो चिढ़ क्यों रहे हो, झूठ तो मैं बोलती ही नहीं, शादी वाला घर है भाई, कब क्या जरूरत पड़ जाती है कुछ पता थोड़ी होता है। ठीक है बोलो कितना लाना है? ये कोई आधा किलो। आधा नहीं एक किलो लाता हूँ। नानी जी आप तो कह रही थी कि हम बाजार जा रहे हैं, पर ये तो हम आपके घर आए हैं। बेटी तू समझती नहीं, अगर मैं तुझे वहाँ छोड़ आती ना तो वो वीनू की बहू तेरे पीछे पड़ जाती, 10 तरह के सवाल करती। वैसे मैंने तेरे लिए कुछ और भी सोचा है। क्या सोचा है नानी जी? अंदर तो चल बताती हूँ। अब तू यहाँ आराम से बैठ और देख मैं क्या क्या करती हूं। हेलो। हाँ ठीक है ठीक है, मैंने कहा था ना। याद रहेगा ना? चल जी तरह। मैंने तेरे लिए एक बात चलाई है। बात? कैसी बात नानी जी? नौकरी के लिए, अब तू नौकरी करेगी। नौकरी?
मेरा मतलब किस तरह का काम करना होगा मुझे? कुछ खास नहीं, बस 3-4 घंटे के लिए जाना होगा। फिर भी नानी जी, काम क्या है? तू चिंता मत कर, पढ़ी लिखी है ना, तेरे लायक ही होगा। बातचीत पक्की हो गई? हाँ, लगभग पक्की ही समझ। और सुन, आज ठीक 6 बजे वहाँ घर पे उनका फोन आएगा। ठीक है नानी जी, मैं इंतजार करूंगी। पूरी बात तो सुन ले। देख, तेरी इस नौकरी के बारे में दामाद जी और रागिनी को पता चलना बहुत जरूरी है, इसलिए ये फोन दामाद जी को ही उठाना चाहिए। मगर नानी जी, ये बात उन लोगों को पता चलेगी तो उन्हें बुरा लगेगा ना? अरे आज नहीं तो कल उन्हें पता तो चलना ही है। अब तू खुद तो जाके बताएगी नहीं, तो अच्छा है ना किसी तीसरे से पता चल जाए। अब तुझे नौकरी करनी है कि नहीं? हाँ नानी जी। तो फिर बस, तू सब मुझ पर छोड़ दे। ये देखिए हाथ की कारागिरी। वैसे रागिनी बिटिया पर बहुत सजेगी। रागिनी, ये अच्छी है। क्यों, अब आप देख लीजिए ना माँ। और आपको तो प्रकाश चंद जी, 30% छूट दूंगा मैं। धन्यवाद जी। क्या कीमत है इसकी? ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 12,000 रुपया। दुकान में ये साड़ी आपको 15,000 में पड़ेगी। ये बहुत अच्छी है, लेकिन अगर इसी डिजाइन में कुछ कम दाम की? अच्छा, सिफोन वाली नहीं तो? ये देखिए, 2 कलर की वैरायटी आएगी इसमें। ये अच्छी है ना रागिनी? माँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। साधना यहाँ पे होती तो उससे पूछ लेती। नमस्ते जी। अरे, खुश रहो खुश रहो। समधन जी, आइए आइए। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। नमस्ते। खुश रहो खुश रहो। आइए आइए बैठिए। आइए जी बैठिए। वो मैं माता के मंदिर गई थी। अच्छा। सोचे लौटते आप लोगों को प्रसाद देती जाऊं। लो रागिनी। अरे वाह, साड़ियां देखी जा रही हैं। क्यों मालती जी, आपने कौन सी पसंद की? बस देखते हैं। लेकिन ये क्या भाई साहब, ये मामूली सी सस्ती सी साड़ियां क्यों दिखा रहे हैं? आपके पास कुछ अच्छा नहीं है? कुछ हाथ का काम किया हुआ कढ़ाई बुनाई, हैंड वर्क? लेकिन इनका बजट? नहीं नहीं, वो दिखाइए ना, वो सिल्क की कढ़ाई वाली साड़ियाँ। वैसे अभी हम रिश्तेदारों के लिए देख रहे हैं, रागिनी बिटिया के लिए तो अभी देखनी है। अच्छा अच्छा भाई, कुछ बढ़िया वैरायटी दिखाइए। वो वाली? नहीं नहीं, वो नहीं, वो वाली दिखाइए। ये हुई ना बात। अपने लिए मुझे यही रखनी चाहिए। क्यों मालती जी? हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी लगेगी। या फिर ये ठीक रहेगी? नहीं नहीं, मुझे तो वही पसंद है। ये मेरा फेवरेट कलर भी, अपने लिए तो यही साड़ी पसंद है मुझे। कितने की है भाई साहब? सिर्फ
18,000। आप बस पैक कर दीजिए। ओहो, मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ, भूल ही गई कि साड़ी तो आप लोगों को खरीदनी है। वैसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन मुझे तो अपने लिए यही साड़ी पसंद आई है, बाकी आप जो सही समझो। अच्छा अब आके दीजिए। अरे ऐसे कैसे? रागनी बेटा जाओ कुछ चाय पानी। नहीं नहीं, मैं सर जल्दी में चलती हूँ। आप बैठिए ना, साड़ियाँ देखिए। माँ जी मैं छोड़ाती हूँ। अच्छा नमस्ते जी। नमस्ते। कांतिलाल जी ये वाली साड़ी ले लेते हैं। और रागिनी बिटिया के लिए? नहीं बाबूजी, मैं भी अपने लिए नहीं लूंगी। जब साधना साथ में होगी तब वही पसंद कर देगी। कांतिलाल जी आपको कल फिर आना होगा, साधना बिटिया भी रहेगी, इत्मीनान से देख लें। जरूर जी। बिट्टू के हार्ट की आवाज है, बिट्टू के हार्ट की। वेलकम टू डांटो मंडू। जब बोले बिट्टू का हार्ट तब देख किशन के नहीं आसान। लगा दो। अरे बिट्टू भाई। कौन है भाई? बिट्टू भाई। अरे विनीत भैया कैसे हो मंडू? क्या बात है बिट्टू भाई, मतलब चश्मा वश्मा मोबाइल वोबाइल सब है? फ्री है। फ्री? कैसे? अरे वो क्या है ना मंडू, कल हम 42 इंच का टेलीविजन खरीदे तो उसके साथ मिला फ्री। जब से लिया है बजता ही जा रहा है। तो बज गया। हाँ जी 30,000 बस। ये बिट्टू के हाथ की आवाज थी, हमेशा सुनिएगा। बहुत अच्छा बिट्टू भाई। कौन है भाई? आपका सामान। ये पकड़ना जरा एक मिनट, ये भी रखिए। यो चिल्लर तो ढूंढने से नहीं निकलती हमारी जेब में है? जो है 1,500 है, क्या करें। लो भैया करवा लो छुट्टा। बिट्टू भाई बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? मत पूछो। हम कहे ना मत पूछो। वो क्या है ना बंधू, बिट्टू का हार्ट तो पहले से ही जानता है कि तुम क्या पूछोगे, इसलिए मत पूछो। और बंधू क्विज में। अरे बिट्टू भाई जानते हैं तो बताइए ना। तुम यही जानना चाहते हो ना कि जानकर करोगे क्या? देखो बंधू, तुम हो कन्हैया की गाय, इसलिए जाने दो। हेलो कमाल, पिछले महीने तक तो चाय पीने तक के पैसे नहीं थे इनके पास, और आज 3-3 मोबाइल, इतने सारे नोट, बता भी तो नहीं रहे कहां से आए, पूछ के रहूंगा। बाऊजी ये रहे बिल।
ये लीजिए चाय। अरे रागिनी बेटी, दिया बत्ती का वक्त हो गया, जाओ मंदिर में दिया जला दो। माँ साधना कहाँ रह गई, अभी तक नहीं आई, इतनी देर हो गई। अरे लो, कितनी लंबी उम्र है, हाँ आ गए। कहाँ रह गई थी तुम नानी जी के साथ, क्या कर रही थी? शादी का जोड़ा पसंद करना था ना मेरे लिए, पता है मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। पता है आज कौन आया था तुम्हारे जाने के बाद? मेरी होने वाली सासू माँ। और उन्होंने तो मेरे लिए एक साड़ी भी पसंद कर ली, पर मैंने तो साफ साफ उनसे कह दिया कि जब तक मेरी साधना मेरे लिए साड़ी नहीं पसंद करेगी, मैं नहीं लेने वाली साड़ी। वैसे कल फिर से आ रहा है साड़ी वाला। शुक्रिया मैं घर से बाहर थी, वरना जीजी की सासू जी मुझे देख लेती। मुझे नानी जी की हर बात मान लेनी चाहिए। साधना कहाँ खो गई, कहीं फिर से कहीं जाने का प्रोग्राम तो नहीं बना रही? रागिनी मंदिर में दिया जलाना है ना? जी माँ। चले साधना। हे राम जी, आप तो जानते हो कि मैं कितनी कठिनाई से गुजर रही हूँ। आने वाली हर मुसीबत का सामना करने की शक्ति देना। प्रकाशन बोल रहा हूँ जी। साधना जी को एक मैसेज देना था कि उन्होंने जिस नौकरी के लिए अर्जी दी थी वो उन्हें मिल गई है। क्या कहा आपने, साधना ने नौकरी के लिए अर्जी दी थी? रीत ये कैसी है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।